लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत दुख हुआ है रघुवीर, मुझे बहुत दुख हुआ है, और इससे भी ज्यादा ताज्जुब, ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम्हारी जेल से भागने में कोई कामयाब हुआ है, वो भी एक नहीं, पांच पांच कैदी। टेक केयर ऑफ देम एंड आई होप दिस विल नॉट रिपीट अगेन। यस सर। शाबाश, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। जिंदगी में पहली बार जेलर रघुवीर सिंह के इजाजत के बिना उसकी जेल से कोई बाहर निकला है। सर, अगर आपसे इजाजत मांगते तो क्या आप हमें जाने देते थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, इन लोगों ने मुझसे कहा था। आज के बाद इस जेल से भागने का ख्याल तुम्हारे दिल में तो क्या, इस जेल के किसी भी कैदी के दिल में नहीं आएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के बावजूद आपने अचानक इस्तीफा कैसे दे दिया? आपने जवाब नहीं दिया, आपके इस्तीफा देने का कारण कहीं उस कत्ल के केस में आपकी हार तो नहीं? मैडम प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। आप लोग अपने साथ साथ मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। मुझे इस्तीफा देना था, मैंने दे दिया, बस। एक्सक्यूज मी। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ दिनों के लिए गायत्री को पागलखाने में रखने के लिए कहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं, घर पे भी हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। क्यों नहीं, अब तो तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। वकालत से इस्तीफा जो दे दिया है तुमने, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था गीता कि कल तक जो कानून की पुजारन थी आज वही कानून को अपना दुश्मन समझ बैठेगी। कानून के इस पुजारिन को कानून का दुश्मन किसने बनाया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं भैया, खुद कानून ने। मुझे बचाओ, नहीं, मुझे बाजी लगी, मुझे बाजी लगी, मैं मर गया। किशन, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मुझे भाजी लगे। क्या हुआ तुझे? किशन, मुझे बचाओ। क्या हुआ तुझे? ए, होश में आ किशन। मैं सपना देख रहा था, मैं जिंदा। रोता रहता है साला। अबे, फांसी लगनी है लग जाएगी, 24 घंटे में क्या 28 बार फांसी के सपने देखता रहता है। लगता है पुलिस ने झूठा केस बना दिया इनका, ये जिन्हें क्या करेंगे खून किसी का। जिला बोला अपन को, छोड़ मेरे को, वोट डालूंगा। ओए शाणे, तेरी तरह अपनी पत्नी के आशय को नहीं मार डाला था इन्होंने, जानता है क्यों मारा था उस साले को? ए बताना, हम तीनों अलग अलग मजहब के अनाथ एक साथ पढ़कर बड़े हुए, जो भी रोटी का टुकड़ा हमें मिला हम तीनों ने मिल बांट कर खाया। और जानते हो हम जैसे लोगों पर क्या इल्जाम लगा कि हमारी बस्ती में मजहब के नाम पे जो दंगा हुआ वो हम लोगों ने करवाया। अपन ने चारों तरफ तबाही देखी, चलते हुए झोपड़े, आंसू, बेवा औरतें, यतीम बच्चे, देख सकता है तुम लोग? तुम्हारा हाँ कभी नहीं देख सकता। वो औरत जिसे हम मां कहते थे ना, मां खुदकुशी कर चुकी थी, इज्जत लूट चुकी थी उसकी। बस फिर हम लोगों ने सोच लिया कि जिस सफेद पोश को तुम लोग नेता कहते हो उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डाला
से टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। क्या गलत किया हमने बोलो? क्या समाज से बुराई हटाने पाप है? अगर है तो हाँ, हम लोग अपराधी हैं, गुनहगार हैं। इसीलिए हर फसाद में जब तक एक ऐसा नेता नहीं मारा जाएगा, ऐसे फसाद बंद नहीं होंगे, ऐसे फसाद होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे। दीवारों पर यूं लकीरें मिटाने से किस्मत की रेखाएं बदल नहीं जाएंगी, और फिर दिन गिनने से दिन बढ़ नहीं जाएंगे किशन। पहली जनवरी जिस दिन आनी है उसी दिन आएगी, न एक दिन पहले न एक दिन बाद। खान भाई, मैं अभी नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता। अभी क्यों? मैं कभी नहीं मरना चाहता किशन, मरना नहीं चाहता। खान भाई, अभी तक हम लोगों ने जिंदगी में देखा ही क्या है। ठीक बोला तू, अभी अभी जवानी में कदम रखा और मरने का भी दिन आ गया। कबीर भाई, कुछ कीजिए ना, आप तो कुछ कीजिए ना प्लीज। ए किशन, अपुन तुम लोगों से कुछ कम मजबूर नहीं है, समझा क्या? जरा सोच, अगर अपुन कुछ कर सकता तो अभी तक यहां नहीं बैठा रहता क्या? उस दिन के बाद जेलर ने पहरा बहुत बढ़ा दिया है। इस जेल की हर दीवार हर दरवाजे को अपनी तरह मजबूत कर दिया है किशन। यहां से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, समझा क्या? लेकिन उस नामुमकिन काम को मैं मुमकिन कर सकती हूं, इसलिए कि लोहे के दरवाजे ताकत से टूटे ना टूटे, अकल से खोले जरूर जा सकते हैं। मैं तुम लोगों को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की तरफ ले जाऊंगी, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रही हूं, तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूं क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ की जरूरत है। यूं समझ लो कि एक सौदा है, तुम्हारी मजबूरी का, मेरी जरूरत का। पूछ सकता हूं, ऐसी कौन सी जरूरत है जो हम जैसे कैदी ही आपके काम आ सकते हैं? वक्त आने पर वो भी बताऊंगी, फिलहाल इतना बताऊंगी, हर साल 2 अक्टूबर को इस जेल में जश्न मनाया जाता है। इस बार आप लोगों के लिए इस जेल में वो दिन आखिरी दिन होगा। अरे लड्डू क्यों खाया तूने किशन? किशन, अबे तेरी, उठा उसे, बाहर चल तुझे मैं, मुझे लड्डू चाहिए। हाँ लड्डू भी देता हूँ, दे दाली। और ताली भी देता हूँ तुझे मैं, देता हूँ तुझे ताली। किशन, इंस्पेक्टर, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जानी चाहिए, समझे? यस मैडम। पहले गेट खुलवाओ। यस मैडम। हवलदार, गेट खोल दो। हेलो। यस सर।
क्या वो लोग पुलिस जीप में है? हवलदार गाड़ी निकालो, पीछा करो उनका। दिनों के बाद हम सब लोग पहली बार आजादी से सांस ले सकते हैं। ओए रब करे अब वो जेलर हमें कभी पकड़ न पाए। सच बोलता है यार, अगर जेलर ने अपन को नहीं पकड़ा और गॉड की मेहरबानी रही तो अपना बाकी का कलाइ मस्ती में कटेगा। क्या बोलते हैं किशन, चलना। पुलिस की नजरों से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ दिन में भी कोई आता जाता नहीं। आसपास के बस्ती वालों का यह कहना है कि यह भूतों का डेरा है। भूतों का डेरा? नहीं नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। दुनिया में कोई भूत प्रेत कोई जंगली जानवर इस इंसान नाम के जानवर से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। नुकसान तो सिर्फ जीते जागते इंसान ही पहुंच जाते। ये तुम लोगों का कमरा है, तुम्हारे खाने पीने का सब इंतजाम मैं कर चुकी हूं। बस अपने हाथों से पकाकर खाना होगा। एक बात और, मेरी जरूरत का सारा सामान मेरे कमरे में मौजूद है। तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे किशन, ये 20 साल बाद पिक्चर का लोकेशन नहीं लगता तेरे को? खान भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये राज क्या है और हमें यहां पे क्यों लेके आई? बताओ ना खान भाई। जीरा गोली की फैक्ट्री खोलने लाई है। क्या बोला तू? जीरा गोली की फैक्ट्री? अबे जीरा गोली की फैक्ट्री में अपन लोग क्या करेंगे? अबे लल्लू, जो औरत हमको इतना खतरा मोल लेके यहां पर लाई है, ये जगह, ये राशन, वो झाड़ियों वाली गाड़ी याद है? कोई बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है, मामूली बात नहीं है। मेरे को लगता है ये अपन को फांसी के फंदे से इसलिए बचाकर लाई है ताकि अपन को आराम से खुली हवा में मरवा सके। ओए ठीक कह रहे हो कबीर भाई। चलो उठ। मुझे भी लगता है इसने कोई बहुत बड़ा सोता रहता साला डेंजर काम सोचकर रखा है हमारे लिए। उसने सोचा है ना, हमने तो नहीं।